साथियों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। देखिए, कल तक चैप्टर जो है पेरीमीटर एंड एरिया का, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में समझे थे बड़ी अच्छी तरह से, और उसके कुछ क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था। आज कुछ क्वेश्चन जो आपके वर्ड प्रॉब्लम पे आधारित होंगे वो हम यहाँ पे आपको देंगे, और आप कीजिएगा और आप देखिए आप आंसर किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 मीटर, आपसे कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए यहाँ पे फटाफट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर आपको कितना है। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज इतना, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब देखिए, ये क्वेश्चन में जान होता नहीं है, बस दिक्कत क्या है कि ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है और इतना लंबा चौड़ा लिख देता है और बच्चा परेशान होने लगता है कि ये सारी चीजें कैसे हैं, क्या है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस मेन फोकस करना है कि क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। आपसे कह रहा है पहले तो ये गार्डन कैसा है, एक रेक्टेंगुलर है, कैसा है रेक्टेंगुलर गार्डन है, और इसका पेरीमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है कि 36 मीटर है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ में कुछ कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, जो कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके दौरान समझ में आ रहा है। आपके पास समय है एक मिनट का, फटाफट करके बताइए कि आपका आंसर कितना है, और आप जो है वीडियो को पुश करके कर सकते हैं, और फिर इसके बाद कमेंट करें आंसर कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहली बात, इसको आप फिगर बना करके ही भी कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हम आपको फिगर बना के भी समझा देते हैं कि कैसे कैसे है ये सिस्टम। तो देखिए, कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हम बना देते हैं कि मान लीजिए ये सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ स्क्वायर नहीं लग रहा है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर अच्छे से लगेगा, है ना। ये सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है मतलब इसका लेंथ लेंथ इक्वल होगा और ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होगा। चलिए, और इसका एंगल, अब आप समझिए बात को यहाँ पर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि जो क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस, यानी जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना उसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये होता है, ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन रखा है, क्या रखा है क्वेश्चन, कह रहा है आपका कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका जो लेंथ है, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है वो क्या है, इज ट्वाइस और इट्स ब्रेथ, यानी उसके ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी डबल है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या है? अगर हम कहें कि अगर हमको ब्रेथ पता चल जाए तो हम लेंथ को पता चलेगा, क्योंकि इसका ट्वाइस हो रहा है, डबल है। हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, सपोज करेंगे कुछ है तो लेट है ना, तो लेट यहाँ इसका क्या है, ब्रेथ जो है एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस बोला है। यस सर। देखिए ये टू एक्स कहाँ से आया, मैंने अपने से नहीं किया, क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ इसका ट्वाइस है ना, तो आप यहाँ पर टू एक्स। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको पता है, यानी आपको क्या क्या पता चल गया कि लेंथ आपको पता चल गया टू एक्स है, ब्रेथ आपको पता चल गया एक्स है, और आपको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या दे रखा है, 36 मीटर। अब आप बताइए फॉर्मूला पेरीमीटर का लगा करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आपको लेंथ और ब्रेथ भी मिल जाएगा। अब कैसे, तो चलिए आप पहले करेंगे लेट टू बी, लेट टू बी
breadth of a rectangle is equal to x है ना, आप क्योंकि सपोज किए हैं कि इसका लेंथ ब्रेथ क्या है x है, तो आपको रेक्टेंगल का एल भी क्या मिल गया, लेंथ मिल गया 2x। आप पेरीमीटर है तो आप कहेंगे v सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट 2 एल प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाएंगे। देखिए तो पेरीमीटर हमारा दे रखा है कितना सर, 36 दिया हुआ है, 36 इज इक्वल टू 2 सर, लेंथ कितना है 2x हमने माना है, सपोज किया बी, ब्रेथ कितना है सर x है, वहां भी लिखा हुआ है, तो 36 इज इक्वल टू, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x और 1x मिल करके 3x मिल गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में है तो 3 × 2 = 6। आप कहेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कहाँ, यहाँ 2 है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में, तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2x और 1 3x, 3 × 2 = 6x। आप यहाँ से 6x में मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड में रहता तो मल्टीप्लाई होता है, और प्लस में होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 6x साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर के डिवाइड बनेगा, तो आपका यहाँ पे अगर 36 में 6 का डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 36/6 यानी 6×6=36, x की वैल्यू है 6, क्या ये मीटर में था तो आंसर भी मीटर में। ये अभी आपका आंसर नहीं है भाई, ये x की वैल्यू आई है, अब वही आपको पूछा है कि आप इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए, अब हम बताएंगे। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंस लेंथ, लेंथ कितना है 2x, तो आप लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, सो लेंथ कितना आएगा 2 × x की वैल्यू 6, 6×2 = 12 meter, ये आपका लेंथ आ गया। सेम इसी प्रकार से सिंस ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज इक्वल टू x है, सो ब्रेथ बी x की वैल्यू क्या है 6×6 meter, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कट गई भाई, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, लाइट्स वगैरह का टेक्निकल चीज़ें हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कल इसके आगे रिवाइज करवाएंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।